हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। अब दूसरा पिकअप है हमारा ता कीट ता। ठीक है, बहुत ही लोगों को ये मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? का हमारा दो बार आता है, बोल है ता कीट ता। ठीक है, गिनने में कैसे गिनेंगे? ता कीट ता आ। ता कीट, तीन शब्द हुआ ता कीट ता और आ, एक बार का गैप है। इसको बजाना है तीन फिंगर से। इंडस्ट्री में तीन फिंगर का बहुत यूज होता है, आप जान लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि एक लापा होता है। लापा का टाइमिंग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये किस मात्रा पे लगती है। मैं इसी वीडियो में इस पर डिस्कस करूंगा कि किस शब्द पे ये लापा लगता है। ठीक है, अभी पहले पिकअप कर ले। तो ता जो आ रहा है, हमेशा ता जो है कोई जरूरी नहीं कि का के साथ आए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन म्यूजिक में यही है। मैंने एक वीडियो डाला था कंफ्यूजन के ऊपर कि बहुत सारे शब्द हैं जिनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ता कभी कभी ता धिन ता अकेला ता भी यो ता होता है, और कभी ता ऐसा भी हो जाता है। तो यहीं पर जरूरत पड़ती है एक टीचर की, आपको एक गुरु को, आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा। तो ता पहला शब्द है ता, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ लगेंगे ता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ता। फिर की, मतलब का और की कभी आएगा तो लेफ्ट हैंड पे बजेगा ऐसा की, तो हुआ ता की ता। और एक शब्द आ रहा है ता, ठीक है ता की टे, तो ता की और टा, ये तीन फिंगर से टा टा। तो ता की टे ता। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ता की टे ता की टे ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 एट साइलेंट है। मैंने यहां काउंटिंग में आपको बताया था अभी, ता की टे ता आ। ये ता आ जो मैं रुक रहा हूं वो आ है। ठीक है, तो ता की टे ता आ। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप ऐसा बजाएंगे ना काउंटिंग से, बहुत लोग कहते हैं सर मुझे शब्दों से समझ नहीं आता, काउंटिंग से बताइए। तो काउंटिंग से अगर आप सीखेंगे तो आप लंबी रेस के घोड़ा कभी नहीं बन सकते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं बन सकते? यार ये छोटे छोटे शब्द हैं, एक एक मात्रा पे एक एक मात्रा जा रहा है, दो दो मात्रा जा रहा है, आप बजा सकते हैं। लेकिन एक मात्रा पे जब 8 जाएगा 4 जाएगा फिर आप क्या करेंगे? तो आप उलझ जाएंगे। आप शुरू में आप चल सकते हैं कि हाँ भाई चलो काउंटिंग से, नया बच्चा है कोई सीख रहा है काउंटिंग से कर सकता है, लेकिन आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते, हमेशा ध्यान रखिए। बाद में बड़े बड़े पिकअप आएंगे तो क्या करेंगे? धा त्रिकट तिकता त्रिकट क्रांत धा। अब क्या करोगे आप यहाँ पर? दो काउंटिंग, अब गुम जाओगे काउंटिंग में। तो इसलिए जो है बोलों को याद करिए। ठीक है, आप रट्टा मार के आप आईपीएस नहीं बन सकते हैं, रट्टा मार के आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा अधिकारी बनना है तो आपको अपने दिमाग को विकसित करना पड़ेगा, उस ढंग से आपको तैयारी करना पड़ेगा। कितना रट्टा मारेंगे आप? चलिए, तो तक की टे ता। ठीक है, बहुत प्यारा पिकअप है, मैंने पहले बताया, बहुत ज्यादा गानों में बजाया गया। ठीक है, इसके रूप भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। बहुत सारे गानों में, ये गलियां, ये चौबारा,
सभी बजे, बहुत सारे पिकअप, मतलब इसका रूप है लेकिन इसका स्टाइल यही है। ठीक है, तो ये पिकअप जो हमारा है ता की टे ता, तो ता की टे ता, ता की टे ता की टे ता। ये फिंगर को ऐसा खड़ा रखना है, ये तीनों फिंगर को ज्वाइंट रखना है, ऐसा नहीं करना है इधर से हवा निकल जाएगी तो फिर क्या है कि वेट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये ता, तो ता की टे ता की टे ता, 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 ता की टे ता की टे ता। ऐसे प्रैक्टिस करो ना आप 10 दिन और 10 मिनट करो आप, फिर देखो कैसे नहीं बजता ता की टे ता की टे ता, ता की टे ता की टे ता, ता की टे ता की टे ता। ठीक है, इसका एक और वेरिएशन होता है, हालांकि मेरे ये जो मैंने लिखा हुआ है 12 पिकअप लिखा है मैंने, तो ये उसमें है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये ऐसे ही बजता है। इससे क्या होगा, आपका टाइमिंग मजबूत होगा, एक ता के टाइमिंग में आप 2 टाइमिंग बजा रहे हैं, 2 ता बजा रहे हैं। ठेका के साथ भी, इसके साथ भी दिखा देता हूँ, 3 4। साइन लाइन क्या है, क्रॉस लाइन क्या है, म्यूजिक क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, अंतरा क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, मैं सबसे कहता हूं कि आपको सारी बातें एक ही वीडियो में मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए, एक साथ मिल जाए, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। तो आप थोड़ा हो सके तो आप टाइम निकाल कर और क्लास करिए, क्योंकि क्लास में जो होता है बहुत फर्क पड़ता है। एक क्लास में मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे एक जंगल है, बहुत सारे पेड़ है, कौन सा पेड़ सूख गया, कौन सा पेड़ नहीं सूखा, कौन सा पेड़ कट गया, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वहीं हमारे घर का कोई पेड़ है जिसके ऊपर आप ध्यान देते हैं, यार इसमें कीड़े तो नहीं लग गए, ये खराब तो नहीं हो रहा है, ये सूख तो नहीं रहा है, इसमें पानी डालना भी जरूरी है, आप उसका केयर करते हैं। बस यही अंतर होता है जंगल के पेड़ में और जो घर का पेड़ होता है। तो अगर आप क्लास करेंगे तो आप घर के पेड़ जैसे आप की रखवाली की जाएगी, आपको तिरकिट नहीं बज रहा है, आपको पिकअप नहीं बज रहा है, आपको पैटर्न नहीं बज रहा है, आपको थोड़ा सा जो इस म्यूजिक लाइन का जो बातें जानने के लिए जरूरी है वो भी आपको बताई जाएंगी, क्योंकि क्लास का टाइम इतना होता है कि आप भरपूर आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए, ये तो बातें हैं, अगर आप समझ सकेंगे तो जरूर आप, मेरा नंबर है वीडियो में, आप कॉन्टेक्ट कर सकते। सारे गानों में ये गलियां, ये चौबारा, बहुत सारे पिकअप, मतलब इसका रूप है लेकिन इसका स्टाइल यही है। ठीक है, तो ये पिकअप जो हमारा है ता की टे ता की टे ता, तो ता की टे ता की टे ता, ता की टे ता की टे ता। ये सिंगर को ऐसा खड़ा रखना है, ये तीनों फिंगर को ज्वाइंट रखना है, ऐसा नहीं करना है इधर से हवा निकल जाएगी तो फिर क्या है कि वेट खत्म हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये ता, तो ता की टे ता की टे ता, 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 ता की टे ता की टे ता। ऐसे प्रैक्टिस करो ना आप 10 दिन और 10 मिनट करो आप, फिर देखो कैसे नहीं बजता ता किट ता किट ता, ता किट ता किट ता, ता किट ता किट ता। ठीक है, इसका एक और वेरिएशन होता है, हालांकि मेरे ये जो मैंने लिखा हुआ है 12 पिकअप लिखा है मैंने, तो ये उसमें है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये ऐसे ही बजता है।
इससे क्या होगा, आपका टाइमिंग मजबूत होगा। एक ता के टाइमिंग में आप दो टाइमिंग बजा रहे हैं, दो ता बजा रहे हैं। ठेका के साथ भी, इसके साथ भी दिखा देता हूं। थ्री फोर